की दूसरी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबिका लियाकत। चुनाव आसपास हो तो हमारे सियासतदार किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये नई बात नहीं है, आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी अब मुसलमानों को आरक्षण यानी रिजर्वेशन देने की वो बात कह रहे हैं। क्या ओवैसी संविधान नहीं जानते हैं? वकील हैं, वकालत करते हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या ओवैसी नहीं जानते हैं कि देश में धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता? क्या ओवैसी नहीं जानते हैं कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तय है और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता है? वो ये सब कुछ जानते होंगे, सब कुछ जानते होंगे, लेकिन क्योंकि मुसलमानों का वोट लेना है, क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक बनाए रखना है, इसीलिए चुनावी रैली में जाकर मुसलमानों के आरक्षण की बात कह दो। ये बात सही है कि देश की आजादी के 70 साल बाद भी आज भी मुसलमानों का एक बड़ा तबका पिछड़ा हुआ है, लेकिन आरक्षण पर कम्युनल कार्ड खेलकर ओवैसी ये वोटों का है, सब कुछ सियासत का है, लेकिन ओवैसी को समझना चाहिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत बहुत खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे, अब आरक्षण पर हिंदू मुसलमान का बंटवारा होगा? आरक्षण पर ओवैसी का कम्युनल कार्ड नहीं तो और क्या है? मुसलमान वोट के लिए मजहबी आरक्षण का प्रयोग क्यों? अब मजहब पूछकर आरक्षण दिया जाएगा? और सवाल तो ये भी कि मुसलमानों को किसने बनाया वोट का सामान? लेकिन ताल ठोक के बहस की शुरुआत करूं और सारे खास मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊं, उससे पहले ये जल्दी से रिपोर्ट आप देख लीजिए। आरक्षण पर कम्युनल कार्ड खेल रहे हैं ओवैसी। देखिए असदुद्दीन ओवैसी इस देश में जहर खोलने की राजनीति करते हैं और अब इस देश ने जहर की और जहर घोलने वाली राजनीति करने वालों को नकारा है और अब ये देश विकास की राजनीति को स्वीकार कर रहा है। मुसलमानों को वोट का सामान बनाए रखने की साजिश। हम हरगिज मुखालिफ नहीं है इन लोगों के, आप पटेलों को दीजिए, गुज्जरों को दीजिए, जाट को दीजिए, मराठों को दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरी बैकवर्डनेस का एजुकेशनली और सोशली रिपोर्ट है, उसके ऊपर क्यों एक्ट नहीं करते आप? तो कब तक आप इस तरह से राजनीति करेंगे और हमेशा के लिए आप हमको मार्जिनलाइज करके रख देंगे? और ओवैसी के बारे में सब लोग जानते हैं कि जब जब चुनाव आता है इस प्रकार की बातें करते हैं और इस प्रकार की बात इसलिए करते हैं जिससे कि ध्रुवीकरण हो और उनको लाभ मिले। आरक्षण पर हिंदू मुसलमान का बंटवारा। देखिए हम इस मामले में साफ साफ बता देना चाहते हैं कि मुसलमानों को एज ए होल आरक्षण की मांग नहीं करना चाहिए। एक मुस्लिम लीडर की हैसियत से हम बोल रहे हैं, संविधान जिस तरह से लोगों को आरक्षण दे रहा है, अन्य समुदाय को आरक्षण दे रहा है, उसी तरह से मुसलमानों को भी डिमांड करना चाहिए। डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता है, 2010 से बीजेपी के प्रवक्ता है, केंद्र समिति में ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं, 2003 में यूपीएससी जॉइंट मेडिकल सर्विस की परीक्षा पास की है, दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल से जुड़े हैं, दिल्ली सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र में जो आपत्तिजनक शब्द है उसे हटाने में बड़ी भूमिका निभाई है। डॉक्टर पात्रा वेलकम। राकेश सिन्हा साहब, प्रोफेसर सिन्हा आरएसएस विचारक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और केवी हेडगेवार की जीवनी लिख चुके हैं, इंडियन पॉलिसी फाउंडेशन के 2008 से निदेशक है। प्रोफेसर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रिजवान अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर है, लखनऊ में रहते हैं, पेशे से वकील है, इस्लामिक मैरिज लॉ में इनकी विशेषज्ञता है, सामाजिक धार्मिक विश्लेषक भी है। डॉक्टर रिजवान स्वागत है आपका, आई होप आप ठीक है,
क्योंकि खबर मिली थी कि कल आप के ऊपर किसी ने हमला किया था, हालांकि उस पर मैं बातचीत बाद में करूंगी। मौलाना साजिद रशीदी साहब मुस्लिम धर्मगुरु है, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है, दिल्ली में रहते हैं, सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को उठाते रहते हैं। मौलाना साहब आपका भी स्वागत है। वारिस पठान साहब प्रवक्ता है AIMIM के, मुंबई की भाईखला सीट से विधायक है और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की बहुत करीबी भी है, हाईकोर्ट में वकालत भी करते हैं। वारिस साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आप सबको मैं डेढ़ डेढ़ मिनट का मौका दूंगी और शुरुआत वकील साहब आपसे करना चाहूंगी। वारिस पठान साहब, चुनाव नजदीक आ गए, हमें पता लग गया, पता है कैसे लगा? कैलेंडर देखकर नहीं जी, ओवैसी साहब के बयान से। ये खेल क्या है? आपकी सेटिंग किसके साथ है ये बताइए, किसका वोट काटते हैं और किसका जोड़ते हैं? मेरी सेटिंग सिर्फ अल्लाह के साथ है और किसी के साथ नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं। और ओवैसी साहब ने चुनाव के मौके पे नहीं कहा, ये कांग्रेस वालों ने कहा कि हमको पाटीदार को पटेल को रिजर्वेशन देना है। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है रुबेका जी। ओवैसी साहब ने कब कहा कि मैं रिलीजन के नाम के ऊपर रिजर्वेशन मांग रहा हूं? उन्होंने कहा पटेल को दीजिए, जाटों को दीजिए, गुज्जर को दीजिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि शो मी सिंगल एम्पिरिकल एविडेंस, आप मुझे बताइए कि जिसमें यह लिखा हुआ है कि मुसलमान पाटीदार से ज्यादा आगे है, बताइए मुझे क्या गुज्जर से मुसलमान आगे है, क्या मराठाओं से मुसलमान आगे है? मैं आपको एम्पिरिकल डाटा बताता हूं, सेंसस 2011, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्री कमेटी का रिपोर्ट, सब में यह कहा है कि देश का जो मुसलमान है वो पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमारी यह धारणा है कि अगर आप सबको आरक्षण दे रहे हो तो इनको भी देना चाहिए आरक्षण। वारिस पठान खुद के बेटे के लिए आरक्षण नहीं मांग रहा है, मैं उन लोगों के लिए आरक्षण मांग रहा हूं जो चाहते हैं कि उनका भी बेटा उनकी भी बेटी IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने और देश के अनेक नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर देश के विकास में पहल करें और आगे बढ़े। तो क्या मैं गलत करता हूं? मगर ये कांग्रेस वाले मुस्लिम एम्पावरमेंट चाहते ही नहीं है, बीजेपी अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रही है सिर्फ मेजोरिटी की। ये दोनों सिर्फ इतने बरसों से अपनी वोट के लिए लोगों का खून चूसते आ रहे हैं और आरक्षण के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं। ये लोग सरासर गलत काम कर रहे हैं और आर्टिकल 15 और 16 में लिखा है आरक्षण दे सकते हैं, आर्टिकल 341 के तहत। ओके वारिस पठान साहब, अब तक बीजेपी और कांग्रेस ठग रही थी, आपने लगा हम क्यों पीछे रहे, हम भी इस खेल में थोड़ा आगे आते हैं, अब हम भी रिजर्वेशन के नाम पर धन को ठगने की कोशिश करते हैं और आप कह रहे हैं अल्लाह से सेटिंग है, तो सर फिर उन्हीं से मांगना चाहिए आपको सबका सब। आप फिर सरकार से किस हक से मांगने की बात करते हैं? डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। देखिए इसका तो जवाब बड़ा ही साधा और सिंपल है। अभी आपने जब पूछा वारिस पठान जी से कि आपकी सेटिंग किससे है, तो इन्होंने कहा मेरी सेटिंग सिर्फ अल्लाह से और किसी से नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कह सकता हूँ हमारी सेटिंग तो कॉन्स्टिट्यूशन से है और भारत के संविधान से सेटिंग होने के नाते हम वही बातें कर सकते हैं जो भारत के संविधान ने लिखा हुआ है। स्वाभाविक रूप से आज दो बड़ी चीज़ें यहाँ स्पष्ट हुई है। एक तो वारिस पठान साहब ने कहा कि 70 सालों से मुसलमानों की हालत सबसे दयनीय है, ना एजुकेशन है, ना अवेयरनेस है, ना बिजनेस है, ना कुछ है। तो स्वाभाविक रूप से आज इनको पूछना चाहिए कि ये कांग्रेस के साथ गलबैये डालकर कोएलिशन सरकार में 10 साल तक क्यों थे, क्योंकि 70 साल से अगर मुसलमानों की हालत इतनी दयनीय है तो स्वभाव तो इसमें किसी प्रकार का लारा लप्पा नहीं है, तो आप ही की सरकार थी इतने वर्षों तक। दूसरा बड़ा विषय है, आप बता दीजिए, मैं आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये रिजर्वेशन जो है, जो आपने जातियों का नाम यहाँ गिनवाया, हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम है, इस कारण से यहाँ जो निचला कास्ट जिसको आप लोगों ने पिछड़ा रखा इतने वर्षों तक, उनको एफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से आगे ले जा सके, इसलिए रिजर्वेशन का प्रावधान हमारे पुरोधाओं ने संविधान के माध्यम से किया। क्या इस्लाम कास्ट सिस्टम को मानती है? बिकॉज कास्ट सिस्टम के आधार पर ही रिजर्वेशन और एफर्मेटिव एक्शन की बात होती है। आप खुद बताइए क्या इस्लाम में कास्ट सिस्टम है? कोई इस्लाम में बड़ा और कोई इस्लाम में छोटा है क्या? आप बता दीजिए, मौलाना साहब बताएंगे। वारिस पठान साहब एक सेकंड में आपको क्लियर कर दूं, ये जो डेढ़ डेढ़ मिनट वाला हमारा सिस्टम है उसमें अगर आप टेक्निकली कुछ कहेंगे वारिस साहब तो आपकी आवाज नहीं आ पाएगी, तो एक बार सब डेढ़ डेढ़ मिनट बात अपनी रख लेंगे, उसके बाद मैं डिबेट ओपन करूंगी। ओके वारिस जी, ठीक है। मौलाना साहब देखिए, आपको याद होगा कि जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद में एक बहुत बड़ा मसला ये था कि जो मुसलमान यहाँ रहा है उसको हम आगे कैसे ले जाएं, ये एक बहुत बड़ा मसला था।
और उस वक्त में तारीख इस बात की गवाह है कि एक मुशावरती कमेटी बनी थी, माइनॉरिटीज़ मुशावरती कमेटी, जिसके सरदार पटेल चेयरमैन थे। उनकी राय ये बनी थी कि मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने यह कहकर उसको नकार दिया कि ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा जैसे ये लोग मुल्क से अलग रहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि पंडित नेहरू ने इस बात को बड़े दबे दिल से इकरार किया और ये कहा साथ साथ कि आप जो है, मैं मान रहा हूँ इस बात को, लेकिन जो अक्सरियती तबका है यानी हमारे जो हिंदू भाई हैं, उनको इस बात के लिए आगे आना पड़ेगा कि हम अपने मुसलमान भाइयों को जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे कैसे लाएं, और सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि अमली तौर पर उनको आगे लाना पड़ेगा। और उसके लिए बाकायदा सरदार पटेल ने भी और कई लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाकर इस बात को तय किया कि हाँ, मुसलमानों को ये चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए हिंदू तबके को आगे आना पड़ेगा। और ऐसा नहीं जैसे उस टाइम में था, आज भी वो सिस्टम शुरू हो गया जैसे आज़ादी के फौरन बाद जो है, सॉरी पार्टीशन के फौरन बाद मुसलमानों को ये कहा जाता था कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आपका यहाँ कुछ भी नहीं है। आज फिर वही एक नया सिस्टम शुरू हो गया कि बीजेपी का हर नेता खड़ा होता है, वो ये कहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, या रामजादे और हरामजादे। इस टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं, उन तमाम बातों को सामने रखते हुए हमें रिजर्वेशन जरूरी है। प्रोफेसर सिन्हा, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, देश की जनता का हर वर्ग का विकास हो और देश की जनता का हर वर्ग ब्यूरोक्रेसी से लेकर बिजनेस होते हुए हर क्षेत्र में हो, ये हर देश का एक आइडियल एम होता है। अब इस उद्देश्य के तहत जब संविधान सभा में बहस हुई, जिस प्रश्न को रूबिका जी आज आपने उठाया, ठीक वही प्रश्न संविधान सभा में बहस में आई थी। उस बहस में एक नागप्पा साहब थे मद्रास से और जेडएस लारी थे यूनाइटेड प्रोविंसेस से, दोनों में ये बहस हुई और नागप्पा ने कहा कि आज दलितों को जो आरक्षण मिला उसका कारण उनकी जाति सिर्फ नहीं है, 3000 वर्षों से सामाजिक आर्थिक रूप से वो सत्ता से, व्यवसाय से, नौकरशाही से, पढ़ने लिखने से वंचित नहीं थे, वंचित कर दिए गए थे, जो मुसलमानों की स्थिति नहीं है। मैं अब एक बात कहना चाहता हूँ, एक दुर्भाग्य की बात क्या है, आज़ादी से पहले मुस्लिम सांप्रदायिकता का केंद्र नॉर्थ इंडिया था, अब सांप्रदायिकता का वायरस ट्रेवल करके साउथ इंडिया पहुँच गया है और ये वायरस पहुँच गया है हैदराबाद, मद्रास, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। आप देखिए, नॉर्थ इंडियन मुसलमान मुस्लिम नेताओं को लेस रेडिकल, लेस फंडामेंटलिस्ट में मानता हूँ और साउथ इंडियन मुस्लिम लीडर जिसमें ओवैसी आते हैं वो ज़्यादा रेडिकल हैं, ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट हैं। इसलिए आज उस बात को उठाया जा रहा है जिसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप पटेल पर तो डिफर करेंगे लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इनोनिमसली आम सहमति से संविधान सभा ने धर्म के आधार पर आरक्षण समाप्त किया, उन्होंने कहा हिस्टोरिक पॉइंट इन द इंडियाज हिस्ट्री, आप उस ऐतिहासिक बिंदु को बदलकर अनैतिहासिक बना देना चाहते हैं, फिर से घड़ी की सुई को 47 से पहले लेना चाहते हैं कि धर्म के आधार पर समाज विभाजित हो और लोलर है। टाइम अप हो गया, मैं डॉक्टर रिजवान आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर रिजवान, ये बार बार एक बात कहना कि मुस्लिम समाज जो है वो पिछड़ा रहा है, उसको मदद की जरूरत है, इसमें सबसे पहले तो मुसलमान को खुद को अपनी मदद करनी होगी, उसके बाद ही तो चीजें बदले होंगी, रिजर्वेशन जैसी कोई चीज क्या वाकई बदल कर रख देगी तस्वीर को? आप तो बहुत लिखते भी हैं इन सारी चीजों पर। देखिए रूबिका जी, वारिस भाई ने बड़ी अजीब एक अभी बड़ी बड़ी हास्पक चीज बोली, उन्होंने कहा हम पट्टीदारों से भी पीछे हैं, हम दलितों से भी पीछे हैं, हम उनसे भी पीछे हैं। कभी मुसलमान ये कहता है हम सबसे पीछे हैं, कभी मुसलमान कहता है हम हिंदू के भी आगे हैं, ईसाई के भी आगे हैं, यहूदी के भी आगे हैं, बौद्ध के भी आगे हैं, हम मुकम्मल हैं, हमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। एक तो ये बात में बड़ा मुझे कन्फ्यूजन लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मौलाना साहब ने आज़ादी का जिक्र किया रूबिका, तो जल्दी बताऊँगा कि आज़ादी के वक्त हम लोगों को दो तीन तरह के इस देश में लोग मिले मुसलमानों को। एक तो ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुसलमान को सिर्फ पुचकारा, कहा तुम अगर कोई गलती करो तब भी हम निगाहें अपनी दूसरी तरफ कर लेंगे, हमें सिर्फ वोट देते रहना, हम तुम्हारे सारे ड्रामा, सारे तुम्हारे जितनी भी तुम्हारी अदाएं हैं या तुम्हारी हरकतें हैं हम बर्दाश्त करते रहेंगे जो देश हित में नहीं है। दूसरे लोग हम लोग को वो मिले जिन्होंने मुसलमान को डराया, अल्लाह से डराया, खुदा से डराया, कुरान से डराया, दोजख से डराया, वंदे मातरम से डराया, भारत माता से डराया, होली के रंग से डराया, औरत की माथे की बिंदी से डराया, उन्होंने सिर्फ मुसलमान को डरा के रखा। तीसरे लोग मुसलमानों को ऐसे मिले जो मूलतः इस बात के हकी में नहीं थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान आया ही क्यों, उन्होंने मुसलमान को हर बात पर आज़ादी के बाद धुतकारा। हम लोगों को इस देश में समझाने वाला कोई नहीं मिला।
कि आइडिया ऑफ इंडिया के साथ चलो, आइडिया ऑफ अरब के साथ ना चलो, 21वीं सदी में चलो, 7वीं सदी में ना चलो, संविधान के साथ चलो, शरिया के साथ ना चलो। धीरे धीरे हम लोग मुख्य धारा से दूर हो गए। ठीक है, टाइम अप हो गया। अब मैं ये डिबेट ओपन कर रही हूँ वारिस पठान साहब, जो डॉक्टर रिजवान कह रहे हैं उसमें वाकई दम तो है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप मुसलमानों को आगे ले जाना चाहते हैं या पीछे की तरफ धकेलना चाहते हैं? रिजर्वेशन जैसी बैसाखी क्यों? देखिए, रिजवान साहब ने जो कहा रुबेका जी, के वारिस पठान ये बोलता है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। रिजवान साहब, मैं नहीं कहता, अगर आपको रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, सेंसस 2011 पर भरोसा नहीं है, तो वो आपकी मर्जी, आप जला के फेंक दीजिए ना सारे रिपोर्टों को। वो रिपोर्ट ये कह रहे हैं कि देश का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं देते आरक्षण? महाराष्ट्र में रुबेका जी हाईकोर्ट ने पिछड़ा है, वारिस भाई कहा है कि वारिस भाई क्यों पिछड़ा है, रिजर्वेशन क्यों पिछड़ा है, इस पे बात करेंगे ना, क्यों पिछड़ा है, लोग क्यों पिछड़ा रहे ना, क्योंकि हमको क्यों पिछड़ा है, क्यों पिछड़ा बरस हमको सिर्फ वोट की तरह इस्तेमाल किया गया है। क्यों का मतलब क्या है? क्यों का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप इस पर सवाल उठाएंगे कि मुसलमान आगे क्यों नहीं गया? रिजवान साहब, आप इस पर सवाल थोड़े उठाएंगे मुसलमान आगे क्यों नहीं गया? आपने खुद ही कहा कि एक वर्ग हमें ऐसा मिला जो चमकारता रहा लेकिन हमें दिया कुछ नहीं, तो हमारी हालत तो उसकी वजह से हुई है। अगर हमारी हालत इस देश में हिंदुओं के वजह से ऐसी है तो फिर बांग्लादेश कौन कह रहा है हिंदुओं की वजह से ऐसी है भाई? अरे कौन कह रहा है हिंदुओं की वजह से ऐसी है? आप क्यों हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहते हैं? आप क्यों हिंदू मुस्लिम फैलाना चाहते हैं? फिर किसकी वजह से? कोई नहीं कह रहा है हिंदुओं की वजह से है। अरे फिर सरकारों की वजह से है? मैं सरकारों ने मुसलमान को एजुकेशनली और नौकरियों में कोई हिस्सा नहीं दिया, उनकी वजह से है, सरकारों की वजह से है? आप हिंदू मुस्लिम क्यों कराना चाहते हो भाई? हिंदू मुस्लिम क्यों कराना चाहते हो आप? रुक जाइए सर, तो फिर किसकी वजह से है? सरकारों की वजह से है, जिन सरकारों के सामने हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सरकार ने ही तय कराई है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सरकार ने ही बनवाई है, ये मुसलमान ने नहीं बनवाई है। मैं चाहती हूँ दूसरी सरकार की वजह से बोल रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं आ रही क्या? मत भूलिए, एक सेकंड रुकिए, हिंदू मुसलमान मत कीजिए यहाँ पर, रिजर्वेशन की बात, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए यहाँ पर, प्लीज पठान चाह रहे थे, आप इसका मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, वो कर लिया आप, बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। मेरे गले पे थोड़ा सा रहम कर दीजिए प्लीज सर, मेरे गले पे रहम कर दीजिए एक सेकंड। रुबेका जी, मैं कुछ भी कहूंगा तो आपको ये लगेगा कि मैं भड़का रहा हूँ, लेकिन मैं संविधान के दायरे में रह के डेमोक्रेसी। वारिस पठान साहब, ये कौन सा संविधान है मुझे ये बताइए, कौन सा संविधान है देश में आरक्षण पर डेमोक्रेसी में? उस दिन रुबेका जी इनसे पूछे क्या संविधान ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हैदराबाद का क्या होगा? आप संविधान के दायरे नहीं, मैं अब दो बातें कहना चाहता हूँ, अच्छे प्रवक्ता मैं आप सुन लीजिए, फिर आप वही काम कर रहे हैं, ये रिजवान कर रहा है, डॉक्टर आदमी आप, देखिए रिजवान साहब के प्रति आप बात मत कीजिए, आराम से बात करते हैं मौलाना साहब, अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, अगर संविधान में है तो दीजिए, आप सब एक दूसरे को बोलने के लिए रिजर्वेशन दे अपनी आवाज को, सब बोलने के लिए एक एक करके। डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ, 20 सेकंड में आ रही हूँ, प्रोफेसर सिन्हा अपनी बात। देखिए, मैं दो छोटी बातें कहना चाहता हूँ कि संविधान ने साफ तौर पे कहा कि धर्म के आरक्षण पर आरक्षण नहीं हो, ये कोई अब्रप्टली नहीं कहा, इसके पीछे एक तर्क है, किसी चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है कि धर्म के आधार पर आरक्षण इसलिए दिया जाएगा कि धर्म के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन इस देश में नहीं हुआ है, दलितों के साथ जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, यह स्थापित सत्य है। आप यदि मानते हैं, आप मुसलमान तो 700 साल मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 1870 से लेकर जब हंटर कमेटी बनी
थी, तब से लेकर सच्चर कमेटी तक मुसलमानों के साथ पिछड़ापन का उनका एक कैरेक्टरिस्टिक बन गया, जैसे टोपी है, दाढ़ी है, उसे पिछड़ापन है। ये क्या तरीका है? क्यों पिछड़ापन है? सामाजिक कारणों से, धार्मिक कारणों से? आप अपने उन धार्मिक और सामाजिक कारणों को बदलिए, पिछड़ापन दूर हो जाएगा। आज 50 मुसलमान यदि यूपीएससी कम्पीट किए हैं और पहले मुसलमान कम्पीट नहीं करते थे, उसके कारणों को तलाश कीजिए। आप ग्रो चाइल्ड मोर की बाहर निकलिए। इस्लाम में 72 फिरके हैं, फिर आप ये कहोगे, अरे सर यहाँ की जाति आप कहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं? मंडल कमीशन में मिल चुका है, जिन मुसलमानों का कह रहे हैं वो मंडल कमीशन में मिल चुका है। मंडल कमीशन के तहत ऐसे मुसलमानों को मिल चुका है जो बैक ले रही हूँ, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक सेकंड, आप लोग सब इतने पढ़े लिखे सर, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आऊंगी मौलाना साहब, आपसे ही शुरुआत करूंगी। डॉक्टर पात्रा कब से हाथ उठा रहे हैं, उनको अपनी बात रखनी है, लेकिन धर्म के आधार पर, फिर तो सिख बोलेगा मुझे चाहिए, फिर क्रिश्चियंस बोलेंगे हमें चाहिए, फिर हिंदू बोलेंगे हमें भी चाहिए। इस तरीके से तो सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन के मामले में दब कर रह जाएगा पूरा का पूरा देश। जातिवाद को लेकर, जातियों को अलग अलग आरक्षण देने के नाम पर आप जान रहे हैं हार्दिक पटेल की जगह जगह सवालों के घेरों में उनको रखा जा रहा है, उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहां आप देश को पीछे लेकर जा रहे हैं। और लीजिए असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ गए, वो कह रहे हैं मैं धर्म के नाम पर तो नहीं मांग रहा हूं, लेकिन हमारे धर्म से तो आगे बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, तो हमें रिजर्वेशन क्यों ना मिले। अब इसके माने क्या है आप मुझे ये बताइए। इसीलिए खास मेहमानों का पैनल यहां पर बुलाया हुआ, 10 सेकंड का मैंने वादा किया था मौलाना राशिदी साहब आपसे, आप अपनी बात रखिए फिर मैं डॉक्टर पात्रा के पास जाऊं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं, धर्म से मत जोड़िए इसको। हमारे अंदर जो जातियां हैं जिनको सच्चर कमेटी ने बाकायदा कोड किया है, एक एक आदमी से मिलकर देखा है, उनकी माली पोजीशन को देखा है, उनकी एजुकेशनली पोजीशन को देखा है, तभी तो जाकर कहा है कि इनकी हालत दलितों से बदतर है। अगर मुसलमान के आंकड़े के हिसाब से उसको देखा जाता तो सच्चर कमेटी में रिपोर्ट ही नहीं आती। तो मेरा मानना यह है कि जात के एतबार से या आबादी के तनासुब से, जैसे दूसरे धर्मों के लोगों को, अब पटेल भी तो हिंदू है ना, अगर आप उसको हिंदू से जोड़ोगे तो हिंदू हो जाएंगे वो, लेकिन उनको दिया जा रहा है, कांग्रेस मान रही उनकी बात को। तो ऐसे ही अगर हमें मुसलमान ना समझ के हमारी जातियों को देखकर जो पछड़े लोग हैं उनको आगे लाने की बात, आरक्षण आपको पता है ना दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश में, असम में है, बिहार में है, दादर नगर हवेली में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अब और क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? क्या आपको इस बात का इल्म नहीं है? डॉक्टर पात्रा ये धर्म युद्ध रिजर्वेशन पर इसका मतलब क्या है? देखिए यहां पे अभी जो मैं सुन रहा था, कोई कह रहे थे कि इसमें धर्म को नहीं लाना चाहिए, अरे डिमांड ही है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, और बताया जा रहा है कि यहां धर्म को मत लाओ, ये किस प्रकार का कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है? दूसरी बात है कि ओवैसी साहब को भी धर्म से जोड़ रहे हैं, आप तो हार्दिक पटेल को भी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए। कहा है कि मैंने किसी के नहीं बोला, रूबिका जी आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, आप इन्हीं से बुलवा लीजिए, एक बार उनको सुन लेते। बोलिए 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 डॉक्टर पात्रा। देखिए नंबर एक जो मैं ओवैसी साहब से प्रश्न पूछता हूँ, ओवैसी जी कहते हैं कि मुसलमान बहुत पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है और कामकाज में पिछड़ा हुआ है, इस कारण से उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये वही ओवैसी साहब है जिनको जब सरकार कह रही थी कि जो मदरसे हैं उनको आप कंप्यूटराइज कीजिए, उनको आप मॉडर्नाइज करिए ताकि मुसलमान भी IAS बन सके, IPS बन सके, तो यही ओवैसी साहब अपोज कर रहे थे, कह रहे थे मदरसे में तो सरिया पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर क्यों पढ़ाया जाएगा? वही ओवैसी, आप चुपचाप बैठ जाइए, आप कौन है मुझे डिसाइड करने वाला? धर्म में जा रहे हैं आप, धर्म में जा रहे हैं, मुसलमान धर्म नहीं होता है क्या? मुसलमान तो धर्म ही होता है ना, धर्म में क्यों तो जा रहे हैं? तो मुसलमान धर्म, अरे धर्म में जा तो कहां जाऊं भैया, उसमें खाने पीने का कहां से मिलता है? अरे ये मौलाना को कहां से लेके आए हैं भैया? खाने पीने के लिए तो हमें काम करना पड़ेगा। आप तो मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन मांग रहे हैं, तो मुसलमान है ना, मुझे ये बताइए टॉपिक क्या है? अरे टॉपिक क्या है? एक सेकंड, उन्होंने कहा सुन तो लीजिए मौलाना साहब, आप सिर्फ मुसलमानों को धर्म, अरे मुसलमानों को नहीं, आप सुनिए उनके बयान को, उन्होंने ये कहा है कि जात पात के एतबार से सब जगह मिल रहा है, हमें रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब की खबर मिली है, वहां देखिए तादाद में पुलिसकर्मी पहुंच गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, मेरे पास अभी जानकारी आई है, मैं रोकना चाह रही हूँ आप लोगों को,
ये फर्स्ट ऑन जी न्यूज तस्वीरें आप देखिए, अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब की खबर मिली है। फौरन मौके पर स्क्वाड्स जो है वो पहुंचा दिए गए हैं ये पता लगाने के लिए कि ये बॉम्ब वाकई है या फिर ये एक हॉक्स कॉल था, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है। और तस्वीरें आपके सामने हैं स्टेशन को और खासकर उस प्लेटफॉर्म को जहां पर ये खबर मिली है कि बॉम्ब हो सकता है, उसको धीरे धीरे, ताकि अफरा तफरी ना मचे, धीरे धीरे खाली करवाने की खबर हमें मिल रही है। हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे संवाददाता हमारे साथ कनेक्ट हो और हमें जानकारी दे कि ये क्या खबर है, कैसे पता चला कि वहां पर बॉम्ब है। और ये देखिए तलाशी ली जा रही है, बकायदा तलाशी ली जा रही है, वो तस्वीरें आपके सामने जहां पर बॉम्ब होने की खबर मिली अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर, और उसके बाद फौरन वहां पर पुलिस वाले पहुंचे हैं और अभी तलाशी अभियान चल रहा है, तलाशी ली जा रही है, ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये जो खबर मिली है इसमें सच्चाई कितनी है। नीतीश गोयल मेरे सहयोगी जुड़ गया है। नीतीश बताइए, वहां पर क्या जानकारी आपको मिल रही है, ये तस्वीरें तो हम देख रहे हैं। जी, कह सकते हैं कि अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर बम रखने की जो बात थी, उस बात को लेके कालूपुर रेलवे स्टेशन पे गुजरात रेलवे पुलिस है उसने जांच शुरू कर दी है, और साथ में ही डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी अभी अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन के जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी प्लेटफॉर्म पर जांच शुरू किया है। अभी तक कुछ संदिग्ध चीज सामने नहीं आई, लेकिन जिस मैसेज था उस मैसेज के हिसाब से अभी पुलिस ने तपास शुरू किया है। जी अच्छा, लेकिन ट्रेनें जो है वो अपने टाइम से चल रही है, हमें तो लोग बैठे हुए दिख भी रहे हैं, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि अफरा तफरी का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, हालांकि तस्वीरों में तो दिख रहा है कि आराम से वो चेकिंग करवा रहे हैं। जी, जिस तरीके से अभी कालूपुर रेलवे स्टेशन की अगर बात की जाए तो कालूपुर रेलवे स्टेशन पे 12 प्लेटफॉर्म है, 12 प्लेटफॉर्म में से अभी एक नंबर के प्लेटफॉर्म पे बॉम्ब रखने की बात थी, उसी हिसाब से अभी कालूपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 है उस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 को अभी कह सकते हैं कि खाली किया गया है, और वहां पे अभी तपास जारी है, और साथ में और प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में जो और ट्रेन है उस ट्रेन पे और ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है। अच्छा, ये मैसेज आया कैसे, ये क्या जानकारी मिली है, कहीं ऐसा किसी ने शरारत तो नहीं की है? जी, अभी तक ये मैसेज कहाँ से आया है वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक लेटर है, उस लेटर में भी लिखा है कि कालूपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे बम रखने की बात है, जिस हिसाब से कालूपुर रेलवे स्टेशन पे पुलिस पहुंची है और पुलिस के साथ अभी तपास शुरू किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए नीतीश, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। अब मैं लौटकर दोबारा डिस्कशन पर आ रही हूँ। डॉक्टर पात्रा, आपने वैलिड पॉइंट उठाया है और इसका जवाब मुझे वारिस पठान से ही लेना चाहिए कि जब आप कहते हैं कि पिछड़ा है, हमारी कौम पीछे है, हमारी कौम को अभी बहुत तरक्की करनी जरूरी है, तो उसकी शुरुआत जो है वो ग्राउंड से होनी चाहिए, उस जड़ से होनी चाहिए। वो जड़ कहाँ है हम सब जानते। वारिस पठान, मैं आपसे जवाब लूँ उससे पहले 10 सेकंड और दे देती हूँ मैं डॉक्टर पात्रा को, क्योंकि बीच में मुझे रोकना पड़ गया था बड़ी खबर की वजह से। डॉक्टर पात्रा, अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। जी धन्यवाद। देखिए रूबिका जी, इसमें एक बड़ी बात मैं और कहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मौलवी साहब ने कहा कि जो आबादी के अनुपात पर रिजर्वेशन होना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जिन लोगों को हजारों वर्ष तक जाति के नाम पे दबा के रखा गया, अस्पृश्यता के नाम पे दबा के रखा गया, अगर उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन होता है तो उसमें बिल्कुल हम सबको बढ़ चढ़ कर साथ देना चाहिए। किंतु आपको यह कहना कि आबादी के आधार पर, मैं एक सवाल पूछता हूं। आज एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गया था कि 8 राज्यों में जहां मुसलमान बाहुल्यता है वहां पर आप हिंदुओं को माइनॉरिटी घोषित कर दीजिए, वो तो आप तैयार नहीं हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फॉर इंस्टेंस 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मगर वहां आज भी मुस्लिम कहती है कि वो माइनॉरिटी है, हिंदू माइनॉरिटी। आप कह रहे हैं आबादी के आधार पर आप सिर्फ जबान का खाते हैं, यही आपको आता है, आप जो है इधर उधर से घेर के लाते हैं। अरे
आप किसका खाते हैं? आप फतवा का खाते हैं? हम तो मेहनत करके खाते हैं भाई, मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी है। अरे जो हम आसाराम की तरह ऐसी नहीं करते, खाना पहुँचाना चाहिए उसकी बात। हम आसाराम की तरह ऐसी नहीं करते भाई, हम तो मेहनत करते हैं, मजदूर आदमी है। आपको इतने याद आते हैं आसाराम आतंकवादी? कहाँ डिबेट को आप ले जाते हैं? अरे आतंकवादी बना के मेहनत करते हैं क्या? मदरसों में आतंकवादी बना के ले जा रहे हैं डिबेट? मदरसों में आतंकवादी बना के मेहनत करते हैं? मदरसे नहीं है, जैसे शिशु मंदिर में होता है वैसे आतंकवादी बनाते हैं। वारिस पठान जवाब दीजिए, वारिस पठान, ये मौलाना तो आतंकवादी की फैक्ट्री है। जब वाकई की जड़ से मुझे बोलने तो दीजिए, संबित पात्र और मौलाना रशीदी लड़ रहे हैं। वारिस पठान साहब, खेल काहे कर जाते हैं आप? एक तो क्यों कर जाते हैं, रुक जाइए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। वकालत करते हैं आप, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कुछ चीजें सीख रही हूँ ना। ये सांप्रदायिकता की वकालत करते हैं आप? ये बताइए वारिस पठान, बताइए बताइए, एक सेकंड, ऐसे तो आप जाएंगे नहीं। ये बताइए, ये बताइए, डॉक्टर हैं ये, बताइए सर, ये भी तो फिरका परस्ती ही करते हैं। अरे सर आप बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, इनका जो प्रोफाइल है। आप मुझे बताइए, ये हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं, ज्ञान के आधार। अच्छा, अरे हम संबित पात्रा को थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं आप? आसाराम के छोटे भाई को ज्ञान, अगर ज्ञानियों के पास बैठ जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए आसाराम के पास वारिस पठान और रिजवान, वारिस पठान और रिजवान साहब को ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन डालिए सर, एक सेकंड दो। आप सुनिए सर, मेरी आवाज भी बंद कर दें आप। आपके साथ भी खड़ा रहूंगा। आप डॉक्टर रिजवान और वारिस पठान, अब जवाब वारिस पठान को देना है। वारिस पठान, मेरे पास आखिरी कुछ मिनट है, कायदे की बात कीजिए। आपको मुसलमानों से इतनी ही मोहब्बत है तो जड़ से चीजें खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं होती है? मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की जब बात आती है तब आपको लगता है कि लो जी मुसलमानों पर देखिए वार करने की कोशिश हो गई है। व्हाई डू यू प्ले दीज गेम्स? दीज आर डर्टी गेम्स। जवाब वारिस पठान जी, आपकी नजर में सभी डर्टी गेम है, सिर्फ बीजेपी और आरएसएस जो कर रही है वही अच्छा है, बाकी पूरा देश डर्टी गेम कर रही है आपकी नजर में होगा। मैं आपकी इस बात से सहमति नहीं हूं। अब बात बात रहा डिबेट का, तो मैं संबित पात्रा जी को सवाल करना चाहता हूं, वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। संबित पात्रा जी, आप एक मुझे एम्पिरिकल एविडेंस बता दीजिए, ये जो साबित करता हो कि गुज्जर या जाट या पाटीदार या मराठास मुसलमानों से ज्यादा बैकवर्ड है चारों स्टेट के अंदर, आप मुझे बता दीजिए। देखिए मैं आपको क्लियर कह दूं, मैं ना पाटीदार के रिजर्वेशन के अगेंस्ट हूँ, ना पटेल के रिजर्वेशन में, ना मराठा के, ना मराठा के, ना गुज्जर के, ना जाट के। सुनिए सुनिए, मैं किसी के रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ क्यों करना चाहते हो आप लोग? क्या मुसलमानों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? अरे हम भी इस देश के नागरिक है। एक तरफ आप कहते हैं आप मुझे बोलने नहीं देते, जब मैं खामोश रहता हूँ लोग बात करते हैं, नजर आते हैं कि किस तरीके से क्या। अरे आप धर्म के नाम, अरे आप धर्म के नाम पर ही तो मार रहे हैं। जात के आधार, सर जात के आधार पर, सर आपको पता ही नहीं है इसका मतलब? जात के आधार पर तो रिजर्वेशन है सर, जात के नाम पर तो रिजर्वेशन है। अरे मैं आपको ये पता ही नहीं है, मैं तो रिकमेंडेशन पर रिजर्वेशन कर रहा हूँ, मैं तो सोशल और एजुकेशनल बुनियाद पर रिजर्वेशन मांग रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? डॉक्टर रिजवान, अरे मैं तो सोशल एंड एजुकेशन बिरादरी के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। रिजर्वेशन मांगना गलत है तो आपकी नजर में गलत? वारिस भाई एक मिनट, आप बोलने नहीं दे रहे हो किसी को। वारिस भाई रूबिका, रूबिका, अरे डिबेट को रूबिका संभालिए, मेरा रूबिका आज, रूबिका आज, रूबिका, अरे वारिस भाई एक मिनट भाई, रूबिका आज रशीदी भाई ने कैसी बात कही है कि भारत रत्न दे, आप ही नेशनलिस्ट हैं, भारत रत्न दे देना चाहिए, भारत रत्न मालूम है आप ही को, आज रशीदी भाई ने, हम लोग आज रशीदी भाई ने ये कहा है। अरे कीप क्वाइट वारिस, आई एम टॉकिंग। आज रशीदी भाई ने ये कहा है रूबिका
कि आप हमें मुसलमान ना मानिए और हमको रिजर्वेशन दे दीजिए, फिर वो कहते हैं आप हमें मुसलमान मानिए और हमें शरिया दे दीजिए। मैंने कब कह दिया मुसलमान नहीं है? धर्म के नाम पर हमें आरक्षण नहीं चाहिए, लेकिन जात के नाम पर आरक्षण चाहिए। पटेल का हिंदू नहीं है तो जात के नाम पर आरक्षण मतलब आपको किसी और के साथ एफिलिएशन जरूरी होगा, और आपको ये पता ही नहीं है कि 4% आरक्षण की तो बात ये मैं आपको बता तो रही हूँ, पढ़ा तो रही हूँ कहाँ कहाँ पर मुसलमानों को आरक्षण है, जात के हिसाब से आरक्षण है, फिर भी आपको पॉलिटिक्स करनी है। चलिए मैं फिलहाल एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ये तस्वीर है, जहां पर बॉम्ब होने की खबर मिली और उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड मौके पर पहुंचा, जगह जगह पैसेंजर्स को वहीं पर रहने दिया है ताकि कोई अफरा तफरी का माहौल ना पहुंचे या बनने पाए, और अब बाकायदा चेकिंग हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि सच में ये जो खबर आई है इसमें सच्चाई हो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस पर आगे भी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, देखते रहिए जी न्यूज़।